हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। तो कोशिश करूंगा कि मैं ये आपका पूरा का पूरा यूनिट वन कंप्लीट करवा दूं और कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स भी आपका इसी में कंप्लीट करवा दूं, इसी लेक्चर में। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि 30 मिनट का वीडियो से ज़्यादा जाता है तो खुद पे खुद वीडियो कट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ना, वो स्टोरेज कैपेसिटी फुलफिल हो जाता, बहुत हाई पावर में बनता है। ये जितना भी बन रहा है 1080 क्वालिटी जो होता है ना, वो वाला क्वालिटी, 3060 और 1080 वाला वो क्वालिटी का बनता है, 720 से जो ऊपर आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा GB में वो चला जाता है तो स्टोरेज ख़त्म हो जाता है, इसलिए मुझे काटना पड़ता है बीच में और दोबारा करना पड़ता है और स्पीडली करता हूँ। तो देखो, रीज़न भी बता दिया मैंने आपको, और देखो पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे लिए ये करना आसान काम नहीं है, इसलिए आसान काम नहीं है क्योंकि टाइम नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ मेरा खुद का काम होता तो इसलिए टाइम निकाल करके करते हैं। और आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ, मेहनत तो है इसमें, बोलना ही बहुत बड़ी चीज़ है, सक्सेस मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक ना, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है, तो मेहनत करना मत छोड़ना। चलो आते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो कुछ फिजिक्स का बताऊंगा, 2 से 3 चैप्टर फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, रोटेशन और कोलिजन, पूरा का पूरा वो 4-5 चैप्टर है, आपका लाइन वाइज कंप्लीट कर दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मार्क कर लेना यहाँ से लेकर के ग्रोथ तक, और याद रखना ग्रोथ हम लोगों का, ये पॉइंट याद रखना, ग्रोथ हम लोगों का कैन नॉट बी टेकन एज डिवाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाकी पढ़ लेना। यहाँ पे आ जाओ, प्लेनेरिया और प्लेटियल में इसका कहानी है, रीजनरेशन करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लेना। रिप्रोडक्शन ग्रोथ का साइनोनियम्स है, पर रिप्रोडक्शन भी हम लोगों का ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिवाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोगों का विदाउट एनी एक्सेप्शन ये हम लोगों का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, या डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर फोटोपीरियड्स देख लेना, फोटोपीरियड्स से लेकर के एनिमल तक, और ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट याद रखना। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ वी से लेकर के स्टिमुली तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इधर यहाँ पे ये चीज़ नोमेन, देखो आपको मालूम होगा, मुझे भी मालूम है कि आपको मालूम है ये चीज़ कि नोमेन क्लेचर किसे बोलते हैं। तो नोमेन क्लेचर, ये चीज़ याद रखना, ICBN ICZN का फुल फॉर्म याद रखना, कार्लस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेन क्लेचर, ये चीज़, बाकी ये पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, और आया भी मार्क किया हुआ है, 10 बार बता चुका था और इस बार भी बता रहा हूँ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एम्स में भी, एम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अभी फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, तो ये पढ़ लेना चारों का चारों पॉइंट ढंग से, ठीक है। बस उसके बाद इधर डेफिनेशन है, इधर कुछ नहीं, इधर आ जाओ, इधर आप लोग लीनियर से लेकर के पब्लिकेशन मार्क करो, कैरेक्टराइजेशन से टेक्सोनॉमिक मार्क करो, फिर आप लोग यहाँ से सिस्टमेटिक से ऑर्गेनिज्म मार्क करो, फिर यहाँ क्लासिफिकेशन से कैटेगरी मार्क करो, फिर आप आ जाओ ग्रुप से लेकर के यहाँ तक, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ है, ठीक है, तो ये मार्क कर लेना। 10 से लेकर के यहाँ तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाओ मैग्नीफेरा से यहाँ तक मार्क करो, फिर यहाँ से यहाँ मार्क करो, फिर यहाँ से यहाँ मार्क करो, इसलिए ये मैंने ये चीज़ लिखा क्योंकि एम्स सोचता है कि कुछ ऐसा वर्ड पूछे, ऐसा टर्मिनोलॉजी पूछे जो कि कहीं नहीं दिया हो। तो देखो यहाँ पे निग्रम, मेलनोजिना, तो ये सब टर्मिनोलॉजी देख करके ही स्टूडेंट घबरा जाएंगे, तो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे आते हैं NCERT से ही, ठीक ना, तो वो चीज़ मार कर लेना, वो चीज़ देख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, इस चीज़ को याद रखना, यहाँ से यहाँ तक बार बार बताता हूँ मैं, और इस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है, ऑर्डर याद रखना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूरा का पूरा डायग्राम आपको सही ढंग से आना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ हार्बेरियम, हार्बेरियम का यहाँ से यहाँ तक लिख लो और इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ठीक ना, और बस ये NCERT पे ही रहना, बाहर मत जाना, पूछेगा तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए डिफ़िकल्टी होगा, ऐसा कोई नहीं है कि हम ही लोग सिर्फ NCERT पढ़ के जा रहे हैं, जितना स्टूडेंट है वो भी NCERT में भी, कुछ स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा हट के पढ़ के जा रहे हैं, तो मैं भी मान लूँ NCERT से पूछेगा, तो मेहनत ज़्यादा करने से फ़ायदा है कि NCERT ही रहें, कंपटीशन है, यहाँ सबको मिला करके चलना है, ठीक ना। अब
की देख लो, ये चीज़ देख लो, ये चीज़ छोटा छोटा चीज़ में लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, यहीं से निकाल कर ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफी क्या होता है, कैटलॉग बुक में लिख दिया जाता है, उसे कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। हो गया, ये चैप्टर होता है कंप्लीट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क करो, डाइवर्सिटी तक, 10 से लेकर के डाइवर्सिटी तक मार्क करना, ठीक है, 10 से लेकर के डाइवर्सिटी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में टू किंगडम प्लांटी एनिमेलिया होता है, ठीक है। आर एच विटकर का पूरा कहानी याद रखना, आर एच विटकर का क्या था क्या नहीं था, ये डायग्राम पूरा का पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बता दे रहा हूँ जो जो क्लियर होना चाहिए। देखो ये सारा कुछ स्किप कर देता हूँ, दो पॉइंट इधर बताया, एक डायग्राम थोड़ा थोड़ा छाट छाट करके बता रहा हूँ, तो कम से कम वो तो यार पढ़ना बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको आना चाहिए पूरा अच्छा ढंग से, ठीक है। तो ये इस चीज़ को लिखना और ये डायग्राम, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया क्या होता है क्या नहीं होता, आर्किबैक्टीरिया पूरा आपको मालूम होना चाहिए। बैक्टीरिया नोस्टॉक डायग्राम देख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एम्स 2019 में आने की संभावना है, बाकी ये चीज़ पढ़ लेना आप, पूरा पढ़ना, ठीक है, पूरा पढ़ना है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, माइकोप्लाज्मा 10 से लेकर के प्लांट्स तक डायग्राम पूरा आना चाहिए आपको। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन सा डायग्राम कब कहाँ कैसे पूछ देगा कोई नहीं जानता। अब आ जाओ क्रायो प्रिजर्वेटिव्स देख लो, जितना पॉइंट मार्क है उतना पॉइंट आप लोग भी मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पे होता है खत्म, गायनोलेक्स को याद रखना, रेड डायनोफ्लैगलेट्स एग्जांपल गायनोलेक्स, सच रैपिड मल्टीप्लेन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिलिंग। तो ये पूरा याद रखना गायनोलेक्स का कहानी डायग्राम। देखो ये मेरा पुराना एनसीईआरटी है, नया एनसीईआरटी जिसके पास होगा, सही ढंग का एनसीईआरटी होगा उससे देख लेना डायग्राम, वहाँ और भी क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। यूग्लिना इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल। अब आते हैं एग्जांपल पे, तो एग्जांपल सारा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। डाइएटम्स, गायनोलेक्स, यूग्लिना, इधर आपको और एक आध एग्जांपल दिया होगा वो देख लेना, सूडोपोडिया कुछ है, ठीक है। इधर आ इसमें है सूडोपोडिया, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में इंटाइमोबा पैरासाइट सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है सूडोपोडिया जो मैंने बोला, तो इसको देख लेना, ठीक है। प्रोटोजोन पूरा आपको प्रोटोजोन आना चाहिए, एमोबोइड और ये सारा कुछ, सूडोपोडिया बता ही दिया, फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन देख लेना, सिलिएटेड इंपॉर्टेंट है, सिलिएटेड प्रोटोजोन इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ मैं। ट्राइपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, टिस्टिस फ्लाई भी स्लीपिंग सिकनेस करता है। स्पोरोजोन्स क्या होता है ये खैर मलेरिया से ज़्यादा पूछेगा, यहाँ से नहीं, अगर पूछना ही होगा तो वहाँ से कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना, बीच में क्या क्या देखना है, यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ चीटिन एंड पॉलीसेचराइड, तो इसे मार्क कर लो, चीटिन एंड पॉलीसेचराइड को, पेनिसिलियम मार्क कर लो, और एक फंजाई में सेचरोमाइसिस आएगा तो वो आगे मिल जाएगा शायद में भी, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया, एक पॉइंट ये मार्क कर लेना, और पेनिसिलियम पक्सिनिया एग्जांपल मत छोड़ना, एग्जांपल पूरा का पूरा देख लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मेजो मियोसिस किस में होता है, किसको क्या बोलते हैं, ये वो चीज़ याद रखना। डाइकैरियोफेज कौन जाता कौन नहीं, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, राइजोपसेल, बिगुन, एम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा डायग्राम, एम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ मैं। ये फाइकोमाइसिटिस एग्जांपल मत छोड़ना यार, बार बार बता रहा हूँ। सैक फंजाई किसके बोलते हैं, तो सैक फंजाई एस्कोमाइसिटिस को बोलते हैं, सैक फंजाई किसे बोलते हैं, एस्कोमाइसिटिस को बोलते हैं, और सेचरोमाइसिस फंजाई है, ठीक है। तो एग्जांपल मत छोड़ना, 10 बार मैं आपको बता दिया। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक स्टडीज में यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस का पूरा देख लो, पफ बॉल्स, और इसको बेसिडियोमाइसिटिस मशरूम होता है, ठीक है। एग्जांपल एग्रीकस मशरूम, पुस्टिलिगो पक्सिनिया, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कैरियोगेमी, अभी बताया ना कैरियोगेमी में बेसिडियोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस आता है, एंड मेयोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियोपोर्स, ठीक है, और एग्जांपल नहीं छोड़ना। अब बाकी याद रखना सेप्टेट और ब्रांच्ड, सारा का सारा सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, सिर्फ इसमें एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होते हैं, एसेप्टेट कोइनोसाइटिक होते हैं, बाकी इसको छोड़ करके इसको माइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, सारा का सारा सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्या चीज़ एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अब यहाँ पे अल्टरनेरिया, कोलिट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एग्जांपल है, तीन एग्जांपल है, तीनों आपको याद होना चाहिए, 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, एग्जांपल नहीं भूलना है, मतलब नहीं भूलना,
कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के लिए दिमाग में प्रेशर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो भूल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोनिडिया देख लेना, माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, बोल तो दिया सारा का सारा सेप्टेट और ब्रांच होगा, सिर्फ कोइनोसाइट और ए सेप्टेट आपको मिलेगा इसमें फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। डायग्राम दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, एनिमेलिया प्लांट हम लोग देखेंगे। ये चीज़ देख लेना, पहले भी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आया भी, ठीक है। वायरसेज आर नॉन सेलुलर, लिविंग और सेल में जाता है तो लिविंग हो जाता है, वो पॉइंट को देख लेना। इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ सही ढंग से दिख नहीं रहा, आपके बुक में दिख जाएगा तो उसे मार्क कर लेना, ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लिख लो एम्स 2019, एम्स 2019 लिख लेना डायग्राम पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का, जितना भी साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है और क्या डिस्कवरी किए हैं, साइंटिस्ट का नाम और डिस्कवरी पूरा का पूरा देख लेना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और न्यूक्लिक एसिड पूरा, ये चीज़ फंडा याद रखना। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिकेट पैरासाइट, देख लो यहाँ पे सारा कुछ पढ़ाया था यार, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ा था, मैंने अपना 100% दिया था, मुझे मालूम है। प्रायंस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर तब भी मैंने बताया था, प्रायंस कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ प्रोटीन, और देख लेना इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है प्रायंस के बारे में, ठीक है। तो ये फंडा होता है क्लियर। फिर वायरोइड्स का देख लो, वायरोइड्स आप लोग छोटा सा पॉइंट है, पूरा का पूरा ही पढ़ लो, इतना सा तो है, थोड़ा सा पढ़ लो और क्या। लीचेंस भी फिर से बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, लीचेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन इना। प्रायंस का पूरा है, इन्फेक्टिव प्रोटीन बेसिकली बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन द कॉमन व्यू डेट द न्यूक्लिक एसिड आर द मिरर ऑफ हेरेडिटरी मैड काउ डिजीज बॉर्न स्पॉन्जर, ये ठीक है, ये चीज़ आपको बताया। अब यहाँ पे देख लो, लीचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गाई एंड फंजाई, ठीक है, एल्गल एंड फंजाई, माइकोबायंट भी बोलते हैं, फाइकोबायंट किसे बोलते हैं वो सारा देख लेना। यहाँ पे होता है ये चैप्टर खत्म। आप आते हैं प्लांट किंगडम में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और आप लोगों का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है और किसने दिया था, जो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है वो याद रखना, और क्या होता है वो याद रखना, टू द पॉइंट याद रखना। जैसे बता दो, न्यूमेरिकल कंप्यूटर बेस्ड, तो न्यूमेरिकल से कंप्यूटर याद रखना, साइटोटेक्सोनॉमी सेल्स हो गया, साइटोलॉजी हो गया तो सेल का याद हो गया, कीमोटेक्सोनॉमी कीमो मतलब केमिकल, तो केमिकल से कीमोटेक्सोनॉमी, बस इस तरीका से याद करो, पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। साइटोटेक्सोनॉमी में क्रोमोजोम्स नंबर स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल बिहेवियर, न्यूमेरिकल कंप्यूटर्स, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन, जहाँ पी देखे वहाँ इवोल्यूशन, पी फॉर फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन, पी फॉर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा भी इवोल्यूशन का कहानी में आता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितना ये मार्क किया हुआ पूरा का पूरा आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्लेमाइडोमनास के चल गए, यूलोथ्रिक्स और यूड्रोनिया नया बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। कौन आइसोगैमेट होता है, कौन नन आइसोगैम, नन फ्लैगलेटेड आइसोगैमेट, कौन फ्लैगलेटेड आइसोगैमेट और कौन ओओगैमस होता है, ठीक है, तो सारा एग्जाम्पल याद रखना। डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा डायग्राम आना चाहिए। डायरेक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर डायरेक्ट पूछोगे तो स्पायरोगायरा मुझे लगता है 110% अगर पूछेगा तो स्पायरोगायरा, पर आपको पूरा डायग्राम आना चाहिए, इसको चारा बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, तो एल्गल है, ये पॉइंट यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, एल्जिन से ले, देखो एक बार काम करना, पूरा पढ़ लेना क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इतना ना कुछ दे रखा है, किसी को मिस नहीं कर सकते हैं। किसको मिस, लेमिनेरिया, सर्गेसम, पोरीफेरा, क्या गलत चीज़ है, क्या कोलेरा यहाँ पे कहीं दिया हुआ होगा आपको, वो गलत चीज़ है, नहीं है। अगर अगर से आपको ग्लेडियम, ग्रेसिलेरिया, कैराजीन और एल्जीन जो दिया हुआ है वो क्या हम लोग छोड़ देंगे, नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्लोरेला के बारे में दिया, ये क्या छोड़ दें, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता है, सारा चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो ये तो पूरा आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक ना, ये पूरा आपको देखना ही पड़ेगा। अब बाकी छोड़ना क्या चाहिए, तो इधर कुछ मत पढ़ो, इधर कुछ मत पढ़ो, इधर कुछ मत पढ़ो, इधर कुछ पढ़ लेना सारा कुछ, पर मतलब याद करने के लिए पूरा जबरदस्त पढ़ाई मत करना, एक बार पढ़ लेना क्या कैसे क्या दिया हुआ, वो पढ़ लेने से दिमाग में बैठ जाता है। केल्प देखना, एक्टोकार्पस देखना, 100 मीटर का होता है हाइट, ठीक है, वो देखना।
इधर आप लोग क्या चाहिए, इधर कुछ एग्जाम्पल बस देख लेना, एग्जाम्पल सबका देखते चलना, बाकी जो मैं बताता हूँ वो देखो। एक्टोकार्पस स्केल देखो 100 मीटर हाइट का होता है, जेंटोफिल फ्यूकोजेंटिक पिगमेंट। बाकी ये डायग्राम आप लोग पढ़ लो, ख़त्म। ये जो दिया हुआ है ये पढ़ लो, हो गया। मेरे में सारा कुछ लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा हुआ है, वो देख लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ जाऊँ आगे, चलो बढ़ता हूँ मैं आगे। एग्जाम्पल मत छोड़ना, एग्जाम्पल याद रखना, थोड़ा मोड़ा कुछ तो याद रखना। एम्स 2019 ये वाला या ये वाला, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, पर इस पे मुझे ज़्यादा फोकस है। एम्स 2019 ये चीज़ पूछने की संभावना है, ठीक है, ठीक है। और जितना कुछ मैं दिखा रहा हूँ चुपके से उसे लिख लिया करो, ठीक ना। अब आ जाओ यहाँ पे ब्रायोफाइट्स, चुपके से लिख लिया करो, मतलब बहुत कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे बुक में बहुत कुछ रगड़ा हुआ है। जो आपको इंपॉर्टेंट लिखे वो खुद से लिख लेना। ब्रायोफाइट वाटर डिपेंडेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ इस वैगनम से लेकर के मार्करो वाटर तक, मोजे से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंस के लिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार पढ़ लेना, और इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। लीवर वर्ड्स में एसेक्सुअल से लेकर के पूरा जीमे का पूरा यहाँ थैलाई तक, ठीक है, थैलाई तक, एसेक्सुअल से लेकर के थैलाई तक पढ़ना। और आप लोग को फूट सेटा कैप्सूल वो तो देखना ही देखना है। प्रोटोनेमा देखो क्या होता है, लीफी स्टेज क्या होता है, और ये पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट। अब आता फनेरिया पोलिट्रैगम और स्फेग्नम एग्जांपल है, ठीक है, तो इतना याद रखना। एम्स 2019 एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसका मार्किंग याद रखो। इसे बोलते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स रूट को राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं लीव्स। क्लास 12 में अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा मार्किंग याद रखना। मार्किंग इसमें नहीं है पर मार्किंग देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, बाकी ये सब भी देख लो, एम्स में आने वाला है 2019 में, किसी ना किसी एक शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये चीज़ बता दिया आपको, एग्जांपल देख लिया। टेरिडोफाइटा हॉर्स टेल एंड फॉन्स, यहाँ पे नीट 2019 लिखा हुआ है कि टेरिडोफाइटा से एक क्वेश्चन आने वाला, और आया भी टेरिडोफाइटा से, ठीक है। द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोबिलीज, अच्छा, हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस क्या होता है, होमोस्पोरस क्या होता है, एग्जाम्पल याद रखना, बस खत्म कहानी। स्लेजिना सेल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस, इक्विसेटम लाइकोपोडिया इज होमोस्पोरस, ठीक है, ठीक है। और बाकी एक बार पढ़ लेना, ठीक ना। और हाँ, दिस ऑर्गन पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिशू, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले भी मार्क किया था और अभी भी मार्क किया हूँ, जितना मार्क है यार पेन से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, मालूम नहीं चलता। ये दूसरा या तीसरा बार मैं पढ़ा रहा हूँगा ये चैप्टर, मालूम आप लोगों को उस समय नहीं चला होगा। सर्च मारना और देख लेना, ठीक ना। ये मार्क होगा 110%, 200% मैं बोलता हूँ, 100% में 200% बोलता हूँ कि मार्क था, पहले सब होता है भी था, और यही चीज़ उठ करके आया। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट कंसीडरिंग एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, क्या चीज़ का है, टेरिडोफाइटा का, ठीक ना। चलो अब आ जाओ नीचे, तो नीचे में आप लोग याद रखना साइका, साइका के बारे में जितना कुछ दिया हुआ है साइका के बारे में पढ़ लेना पूरा का पूरा। पाइनासेड्रास ब्रांच होता है, साइकास अनब्रांच्ड होता है, चलो हो गया ये चीज़। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिम्नोस्पर्म से यहाँ तक एग्जिस्टेंस तक, जिम्नोस्पर्म से यहाँ तक हेट्रोस्पोरस होता है, ये सब तो पढ़ना ही है, ठीक है। बाकी आगे आ जाता हूँ, आगे एंजियोस्पर्म छोड़ दो, एंजियोस्पर्म से कुछ इधर से नहीं पूछेगा, तो उधर डायग्राम देख लेना बस। अब आ जाओ हैप्लोडिप्लोंटिक, डिप्लोंटिक देख लेना थोड़ा थोड़ा, एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल याद रखना, बाकी जो मार्क है उसे आप लोग भी मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया केल्स आर हैप्लोडिप्लोंटिक, फ्यूकस एंड एल्गा आर डिप्लोंटिक, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, हो गया ये चैप्टर भी खत्म। अभी मैं इस पे नहीं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो अगर समय मिलेगा तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी पॉइंट, ठीक है। एग्जांपल याद होना चाहिए यार, इसमें एग्जांपल आप लोग मत छोड़ना, ठीक ना। एग्जांपल पूरा का पूरा याद होना चाहिए और डायग्राम पूरा का पूरा अच्छा ढंग से आना चाहिए। तो ये देख लो यहाँ से डायरेक्ट टू द पॉइंट, एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। इधर एक चोनोसिस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो चोनोसिस्ट है, यहाँ पे ये चीज़ को मार्क कर दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
बाकी सारा पढ़ लेना, डायग्राम देख लेना। मेटाजेनेसिस है यहाँ पे एक चीज़, मेटाजेनेसिस देख लेना, मेटाजेनेसिस यहाँ से यहाँ मार कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आपका सिनिडेरिया, सिनिडोब्लास्ट, सिनिडोब्लास्ट किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, ये डायग्राम पूरा का पूरा इसे टेंटेकल्स बोलते हैं। लो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है कुछ, टेंटेकल्स बोलते हैं। प्रे को कैप्चर करने के लिए होता है, फॉर कैप्चरिंग प्रे, इट हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग प्रे। कॉम्प्लेट्स इंपॉर्टेंट चीज़, सी वालनट्स, कॉम जेलीज, क्या क्या, बायोल्यूमिनेंस, जो जो ब्लैक पेन से डार्क में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल मीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक ना। प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस फ्लेम सेल्स होता है, ठीक है, एक्सक्रेटरी ऑर्गेन इसका, ठीक है। फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और ये ए सिलोमेट होता है, ये ए सिलोमेट होता है, सिमेट्रिकल ट्रिपल ब्लास्टिक ए सिलोमेट, प्लेन एरिया, पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, टेनिया टेफोन, फिजियोला। डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, इसमें एक कहानी याद रखना है कि इसमें जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है, जो फीमेल होता है वो लॉन्ग होता है। साइज में मेल होता है साइज छोटा होता है, फीमेल होता है साइज बड़ा होता है। इस तरीका से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है डायग्राम देख करके, ठीक है। तो डायग्राम बोलता हूँ तो डायग्राम देखो और क्वेश्चन बनाओ और समझो, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं लिखा है तो बताओ। यहाँ पर पढ़ता हूँ एक राउंड, मैं भी पढ़ ही लेता हूँ। राउंड वन, दे पैरासाइट इम्प्लांट ऑर्गेन सिस्टम बायलेटरल सिमेट्री, सूडोसिलोमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूडोसिलोमेट पॉइंट वाला, मस्कुलर फायरिंग सेटनेस, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सेक्सेस, मेल्स, फीमेल्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट में डायरेक्ट, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। एक बार आप भी पढ़ लेना। डायोसियस होता है, सूडोसिलोमेट इंपॉर्टेंट है इसमें का पूरा पॉइंट। बाकी एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, साइज का कहानी बता दिया, ये चीज़ को देख लो, शॉर्टकट है, शॉर्टकट में पढ़ लेना, याद हो जाएगा। एग्जाम्पल याद करना, फिर से इस चीज़ को देख लो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है एक बार इसको पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना, डायग्राम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समय कम है हमारे पास, ये चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। जो जो पॉइंट है उसको सिर्फ याद रखना कि ये वाला पॉइंट इसमें है, मोलूस्का में है, ये वाला पॉइंट आर्थ्रोपोडा में है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिलेडा, सीरोमेटिक एनिलेडा, सिगमेंटेशन मेटामेरिक एनिलेडा, प्रेपोडिया एनिमल लेडा, स्विमिंग में काम करता है, नेफ्रिडिया, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एनिलेडा, पेयर्ड गैंग्लिया होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अर्थवर्म, लीच, मोनोसियस होता है, खत्म, ठीक है। उस तरीका से पढ़ दिया है मैंने एक, उसी तरीका से आप लोग पढ़ो। बाकी एग्जाम्पल याद रखना, अब क्या आएगा उस पर हम बात करते हैं। इकाइनोडर्माटा एम्स 2019 में आने वाला है। इकाइनोडर्माटा देखो, चार शिफ्ट होने वाला, चार शिफ्ट में किसी ना किसी एक को मिल जाएगा इकाइनोडर्माटा, लिख लेना, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो चीज़ लिखना। बाकी इसका कुछ कुछ पॉइंट है वो चीज़ देख लेना, डायग्राम देख लो। हेमिकोडाटा एक शिफ्ट में आने वाला है, ठीक है। हेमिकोडाटा डायग्राम का मैंने लेबलिंग है, डायग्राम लेबलिंग देख लो और इसका एग्जांपल देख लो। प्रोबोसिस, कोलर ट्रंक और बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, ठीक है, एग्जांपल। और यहाँ पे एक थोड़ा चीज होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब फाइलम ऑफ कोडाटा में लिया जाता है, ठीक है। बट नाउ प्लेस्ड इन कोडेट, कोडाटा या कोडाटा, हेमिकोडाटा, डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये वाला पूरा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो एक पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट याद रखना, ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल यूरो कोडाटा, सेफालो कोडाटा का जो एग्जांपल दिया हुआ, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा कॉन्ट्रोसिस्ट, एम्स 2019, कॉन्ट्रोसिस्ट ओस्टोसिस्ट से एक क्वेश्चन आना तय है, किसी ना किसी एक शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, तो ढंग से पढ़ लेना। जो एम्स 2019 में बोल दे रहा हूँ उसे मार्क कर लो और उसको थोड़ा प्रेशर दे करके पढ़ लो, मतलब थोड़ा ढंग से पढ़ लो, ठीक है। बता दिया, आगे बढ़ता हूँ मैं। ओस्टोसिस बोल दिया, ओएम 2019, तो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आ जाओ एम्फीबिया, हाँ एम्फीबिया में पढ़ लेना इसको, इसको एक बार पढ़ लेना, एग्जांपल याद करना, ठीक है। रेप्टिलिया एम्स 2019, रेप्टिलिया एम्स 2019, ठीक है, रेप्टिलिया एम्स 2019, एम्स एफ्स 2019 और मेमेलिया एम्स 2019, एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, मेमेलिया एफ्स और रेप्टिलिया और एम्फीबिया, चारों का चारों पकड़ लेंगे एक क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग आएगा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आएगा, नहीं तो आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, पहला टाइप मैच द फॉलोइंग, दूसरा टाइप विच ऑफ द, और दूसरा टाइप देखो, दूसरा टाइप आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और तीसरा टाइप आएगा कि
कौन सा अपना सही कैरेक्टर बता रहा है। जैसे एम्फीबिया लिख देगा वहाँ इसका करेक्टर, रेप्टिलिया लिख देगा वहाँ इसका करेक्टर, एप्स लिख देगा वहाँ उसका करेक्टर, और एम्फीबिया लिख देगा वहाँ, अच्छा एम्फीबिया हो गया, मेमेलिया, मेमेलिया लिख देगा और वहाँ उसका करेक्टर। तो उसका करेक्टर याद रखना है, क्या रखना है, करेक्टर याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सारा करेक्टर में आ जाएगा, और एग्जाम्पल बस याद रखना, तीन चीज़ याद रखना, ठीक है, करेक्टर और एग्जाम्पल दो चीज़, ठीक है। और इस तरीका से तीन टाइप में क्वेश्चन आएगा, चारों का चारों घसीट लेगा, पता भी नहीं चलेगा, पढ़ के जाइएगा एक, पर यहाँ आने वाला है सब, ठीक है। और मेरा बुक अभी दिखाऊंगा, तो मेरा बुक थोड़ा सा समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिस होता नहीं है, और मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीका से, ओविपोरस और इंथोआइकस पेलिटिपस होता है, ठीक है, यही एक मेमेलियन में है जो कि ओविपोरस होता है। तो मान लो मेमेलिया में लिख देगा कि ऑल आर विविपोरस, ऑल आर विविपोरस, तो भैया ऑल आर विविपोरस बट एक्सेप्ट पेलिटिपस, ठीक है, पेलिटिपस या ऑर्निथोहाइकस, ठीक ना, तो समझना। रेप्टिलिया में लिख देगा ऑल हैविंग थ्री चैम्बर डॉट, ऑल हैविंग थ्री चैम्बर डॉट, पर ये गलत है, विदाउट एक्सेप्शन में दे देगा पर ये गलत है। क्रोकोडाइल हैविंग फोर चैम्बर डॉट, क्रोकोडाइल हैविंग फोर चैम्बर डॉट, और फिर ये चीज याद कुछ नहीं करना, एक राउंड पढ़ लेना, बोल रहा हूँ इसको पढ़ लेना बस। कैसे पढ़ना है, नॉर्मल फ्रिक्वेंटली रीडिंग मारना, हो गया। तो चार चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया उसी हिसाब से आपको भी स्पीड में पढ़ना है, इतना ही समय में। फिजिक्स के लिए समय मुझे नहीं लगता बचा हुआ है, 30 मिनट से ऊपर होने जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, और फिजिक्स एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल तो आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, और कुछ न्यूमेरिकल करवा दूंगा, जितना बोला हूं उतना मैं करवा दूंगा, अभी समय है, ये कुछ नहीं करूंगा मैं। यहां से लॉज ऑफ मोशन, पर एनर्जी, ये और ग्रेविटेशन, और ये पार्ट टू में आपको मैं बताऊंगा, पार्ट टू में जल्दी से दिखा दे रहा हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तीन चैप्टर छोड़ करके थर्मोडाइनेमिक्स बताऊंगा, काइनेटिक थ्योरी गैसेस, ऑसिलेशन, वेव्स, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा कल, आने वाला कल में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा मेरे तरफ से। बाकी आपके तरफ से आप अपना देखना, ठीक है, कि कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं। और एनसीईआरटी से कंप्लीट करूंगा, एसेशन रीजन 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, एसेशन रीजन में 10 भी अगर मार के आएंगे उधर, 20 में से 10 भी अगर मार के आएंगे ना करेक्ट, ठीक, करेक्ट की बात कर रहा हूँ, 100% करेक्ट, तो इधर 40 में तो उतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जितना क्वेश्चन करवाऊँगा इतना कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला दे दूंगा, कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि 20 से 25 25 क्वेश्चन करके ही आओगे, तो टोटल 35, और 35 क्वेश्चन फिजिक्स में टॉपर करके आते हैं, ठीक ना, सही में टॉपर करके आते हैं यार, बायोलॉजी में उनका मार्क्स हाई लेवल में होता है, 55 से 50 होता है, देखो टॉपर का मार्क्स मैं बताता हूँ, मिला तो हूँ टॉपर का इंटरव्यू भी देखता हूँ, और एक हाथ पहले के टॉपर से मिला हूँ, अभी करेंट टॉपर से मैं मुश्किल है, अभी नहीं मिला हूँ। जेई एडवांस के टॉपर 2015 उस समय का समय में मुलाकात होता था, अभी नहीं है, क्योंकि अभी मैं खुद नहीं, उस समय अलग है, ठीक है, तो 55-50, ठीक है। और केमिस्ट्री में होता है 40, मैक्सिमम जाता है 40 से 42-43 क्वेश्चन, ठीक है, और उधर जाता है 13 या 14 क्वेश्चन, 13-14 या 15, ठीक है, मार्क्स गिनो ना, 35 55, 5-5-10, 90 नंबर प्लस 40 करो, 40 या 45 करो, 135 प्लस 15 कर दो, 5-5-10, 3-1-4-1-5, 150 नंबर, ये टॉपर के नंबर है। 2016 में जो टॉप किया था वो 157 या 156.35 या 45 मार्क्स लेकर के आया था, ऑल इंडिया रैंक वन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मार्क्स रहता है, इससे थोड़ी ना ज़्यादा, मैक्सिमम अभी जा रहा होगा तो 160 जा रहा होगा, ठीक है, तो 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को मेहनत उतना ही करना है जिससे सीट मिल जाए, मतलब मेहनत तो पूरा करना है पर सीट एक चाहिए, ठीक है, तो दम लगाकर मेहनत करो, सक्सेस 100% मिलेगा। आवाज़ थोड़ा कम है क्योंकि देखो ये मुझे और आप ही को मालूम है कि क्या चल रहा, बाकी किसी को नहीं मालूम है क्या चल रहा, ठीक है, और ऐसा ही करना चाहिए। मेहनत इतना शांतिपूर्वक करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी शांतिपूर्वक करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और आप कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, ठीक है, 100% कर सकते हो, भरोसा मत खोना, ठीक ना, भरोसा कभी मत खोना आप,
अपने ऊपर से, क्योंकि आपके बारे में अच्छा सोचने वाला सिर्फ दो आदमी है, एक आप और एक आपके माँ बाप, ठीक ना, एक आप और एक आपके माँ बाप, बाकी जितने भी